यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम की गुपचुप, पैरोल पर मचा बवाल, कांग्रेस ने उठाई सवाल। मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, तक 72 घंटों के बाद भी नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। राजधानी दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर, कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही। दिल्ली DJP ऑफिस से मिला ऑटो चालक का शव, 4 दिनों से था लापता। यशवर्धन सिन्हा ने नए CIC के रूप में ली शपथ। बिहार के दरभंगा में मतदान का बहिष्कार, स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली से लोगों में नाराजगी। देश के रडार इमेजिंग सैटेलाइट का इंतजार खत्म हुआ, इसरो ने लॉन्च किया PSLV-C49। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत, UN की सलाहकार समिति में सदस्य चुनी गई भारतीय कैंडिडेट। ICU बेड की कमी पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, अमीरों को भाते हैं प्राइवेट अस्पताल। अमित शाह के बयान पर भौंकलाए ममता के मंत्री, ट्रंप से कर डाली तुलना। SCO मीटिंग में होगा PM मोदी और जिनपिंग का आमना सामना, आपसी टकराव के बीच दिलचस्प हो सकती है मुलाकात। PM मोदी की IIT के छात्रों से अपील, कहा अपार चुनौतियां हैं जिनके समाधान आपके पास हैं। PM मोदी का बयान, आत्मनिर्भर भारत के लिए नव विचार जरूरी। देश की राजधानी दिल्ली में हवा खराब, कई राज्यों में हो सकती है बारिश। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई शपथ। हाथरस केस में पूर्व SP और SDM से पूछताछ कर सकती है CBI। जम्मू कश्मीर में उपकर गठबंधन की पहली बैठक आज, फारूक अब्दुल्ला के आवास पर जुटे नेता। संजय राउत का बयान, कहा फारूक अब्दुल्ला चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां 370 लागू कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। PM मोदी ने कहा कोरोना काल के बाद दुनिया में प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी भूमिका।